Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Yom Ashura ke din Imam Hussain ki yaad mein doobe rahe Sogwar. Yom Ashura Muharram ke 10th din ko kaha jata hai. इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसी दिन करबला की जंग में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। 10 मुहर्रम को अब्दुल्लापुर में बड़ा कदीमी जलूस निकाला गया। जलूस में आज़ादारों ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए इमाम हुसैन को याद किया। करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन की याद में अब्दुल्लापुर में जलूस निकाला गया, जिसमें जुलजना ताजिए अलम बरामद किए गए। ताजिया इमाम बारगाह असगर हुसैन से बरामद हुआ, जो कि बुनियाद चौक से होता हुआ मोहल्ला बाजार से निकलकर मोहल्ला गढ़ी में पहुंचा, और जलूस जुलजना मोहल्ला कोर्ट शाकिर महल से बरामद हुआ। जुलूस में मीसम नकवी, जामिन रोशन अब्बास, कमर आलम, मोहम्मद अब्बास, अम्मार जैदी आदि लोगों ने नोहे पड़े और दोनों ही जलूस एक साथ मिलकर हुसैनी चौक पर पहुँचे। जलूस के हुसैनी चौक पर पहुँचने के बाद में जंजीरों का मातम किया गया। सोगवारों ने जंजीर का मातम कर अपने आप को लहूलुहान किया और करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन को याद किया। हुसैनी चौक पर पहुंचने के बाद सभी आज़ादारों ने आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और करबला पहुंचकर ताजिए दफन हुए और जलूस संपन्न हुआ। करबला पहुंचकर ताजियों को दफन किया गया। उसके बाद में सभी लोगों ने अपना फाका खोला। जलूस की निगरानी करते हुए अब्दुल्लापुर में मेरठ पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें SP देहात कमलेश बहादुर, ADM ई, CO ट्रैफिक, CO क्राइम और अन्य थानों की फोर्स की निगरानी के लिए लगाया गया था। वहीं रजाकार कमेटी की तरफ से पूरे मुहर्रम में अपना सहयोग रहा। Zameen